आज का हमारा टॉपिक होगा सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें क्या कहा गया है कि हम कैसे किसी भी चीज को सेपरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग की अगर बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि हैंड से जो हम पिक करते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने खाना खा रहे हैं ना, या फिर चावल खा रहे हैं, चावल में हमको अगर मिर्ची पसंद नहीं है तो हम मिर्ची को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, निकाल देंगे। इस चावल में से निकाल के मिर्ची को अलग रख दिया। तो आपने दोस्तों क्या किया, हैंड से पिक किया, मतलब हैंड से निकाला, तो हो गया हैंड पिकिंग। सेकेंड बात करते हैं विनोविंग। विनोविंग क्या होता है फ्रेंड्स, विनोविंग सेपरेशन मतलब ऐसा सेपरेशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब गेहूं को जब वो करते क्या करते हैं, छानते, ठीक है, ऊपर से जब छानते तो फ्रेंड्स जो उसमें भूसा भूसा रहता है वो क्या होता है बाहर कहीं फिका जाता है, और जो गेहूं रहते हैं वो एक जगह यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोविंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स क्या होता है, थ्रेशिंग एक ऐसे सेपरेशन प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि जब हम होली में हमको जलाते हैं ना फ्रेंड्स, उसको फिर हम क्या करते हैं, पीटते हैं, ठीक है। तो पीटना इट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, मतलब जो पीटते हैं फिर उससे गेहूं निकालते हैं हम। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो धान जब होती है फ्रेंड्स, तो धान के टाइम में मशीन से बीट करते हैं आजकल, लेकिन पहले क्या करते थे, उसको थ्रेश करते थे, पहले उसको पटक पटक कर ही गेहूं उसमें से निकाले जाते थे, तो वो हो गया हमारा थ्रेशिंग। इसके बाद फोर्थ आ रहा है हमारा सीविंग। सीविंग मीन्स होता है छानना, ठीक है। जैसे रोटी बनाते थे मम्मी करती है, आटे को जब छानती है उसको बोलते हैं हम सेविंग। इसके बाद आ रहा है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, नाम से समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट के थ्रू सेपरेट करना। कैसे, फॉर एग्जांपल नमक और शक्कर लिया, जब नमक और शक्कर को हम मिलाएंगे, दोनों को मिक्स कर लिया, अब थोड़ी देर बाद मैं बोलूँ कि चलो नमक को अलग करो शक्कर को अलग करो, तो फ्रेंड्स इम्पॉसिबल है। नमक और शक्कर को एक एक दाने को अलग करना इम्पॉसिबल है। आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, इसका आयरन और सल्फर का। आयरन और सल्फर हमने लिया फ्रेंड्स, इनको दोनों छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वी नो दैट। जब इन दोनों को मिला दिया तो इनको अलग तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि आयरन क्या होता है, मैग्नेट सेपरेशन होता है, मतलब ये मैग्नेट इन नेचर होता है, ठीक है। अब इसके थ्रू अगर मैंने इसके ऊपर मैग्नेट को फेरोगे तो जो आयरन के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो मैग्नेट में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। और सल्फर जो बच गया, तो आयरन के पार्टिकल किसमें हो गए, आपके मैग्नेट में आ गए, फिर आप मैग्नेट से उसको निकाल कर अलग कर लीजिए, वो ज्यादा मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कि ग्लास है, ठीक है, हैवी पार्टिकल जब इसके नीचे रह जाए, हैवी पार्टिकल जब इसके क्या हो जाते हैं, नीचे रह जाते, पानी ऊपर आ गया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेडिमेंटेशन। अब आ रहा है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अब देखिए आपने एक मिट्टी ली, मिट्टी में क्या हो गया आपका, वो नीचे रह गई, पानी ऊपर आ गया। अब ये जो पानी ऊपर आया, इस पानी को अलग दूसरे बीकर में लिखना, ये दूसरे बीकर में उसको डाल लेना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा डिकेंटेशन। अब आपने इसको डाल लिया, अब क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है कि देखिए आपकी मिट्टी नीचे थी, पानी ऊपर था, आपने पानी को दूसरे बीकर में डाल लिया। अब आपने इस पानी को जो इस बीकर में डाला, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल प्योर तो होगा नहीं, कुछ मिट्टी इसमें आई होगी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। तो होप सो फ्रेंड्स आपको सेपरेशन प्रोसेस की कुछ मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।